रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयशाज फूड रेसिपीज में एक बार फिर से वेलकम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में बीफ कोफ्ता की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। बीफ आधा किलो इस तरह से छोटी बोटी में, प्याज एक बड़े साइज की इस तरह से काट लेंगे, भुने हुए काले चनों का बेसन ये हमने यहाँ पे लिया है 4 टेबलस्पून, पीसने से पहले हमने छिलका उतार लिया। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अंडा, धनिया और हरी मिर्चें। स्पाइसेस में हमें चाहिए सुर्ख मिर्चें 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे एक चॉपर, उसमें हम ऐड करेंगे बीफ को, साथ ही हरी मिर्चें और धनिया भी ऐड कर देंगे, स्पाइसेस को भी ऐड करते हैं और लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी डालेंगे। साथ ही प्याज को ऐड करेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। बीफ और स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिया, तो अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। कीमे को हमने चॉपर में से निकाल लिया, अब हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चनों का बेसन और अंडा, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो चले अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए 1 बड़े साइज की प्याज इस तरह से बारीक चॉप की हुई, टोमेटो प्यूरी 1 कप, दही 1/2 कप, ऑयल 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, स्पाइसेस में हमें चाहिए नमक 1/2 टीस्पून, सूख मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन में हम ऑयल को ऐड करेंगे, साथ ही हम प्याज को भी डाल देंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, प्याज को लाइट ब्राउन होने में 5 मिनट लगे हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इस मसाले को भून लेंगे। साथ ही हम स्पाइसेस को भी ऐड करते हैं। दो मिनट के लिए स्पाइसेस को अच्छी तरह से भूनेंगे। रेसिपी को देखने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही को। दही को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं मसाले में दही को भूनते हुए, अब हम इसे में ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी को।
इसको भी हम अच्छी तरह से छील लेंगे। मसाले को हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकने देंगे। तो चलें इतनी देर में हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलें आप इनको ग्रेवी में डालेंगे। कोफ्तों को हमने ग्रेवी में ऐड किया है। मीडियम फ्लेम पे आप 10 मिनट के लिए हम ढककर कोफ्तों को पकाएंगे, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए, तो चले चेक करते हैं। अब हम इनको हिला लेंगे। आप कोफ्ते मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। अब 10 मिनट के लिए हम मजीद पकने देंगे इनको। 10 मिनट मजीद हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए, तो चले चेक कर लेते हैं। कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बन चुके हैं, तो अब हम इस पे ऐड करेंगे धनिया और हरी मिर्चें और चूल्हे को बंद कर देंगे। 2 मिनट का हम दम लगाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलें चेक करते हैं। बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं, तो चलें अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही परफेक्ट बीफ कोफ्ता बन के तैयार हो चुके हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं और नान के साथ एंजॉय करें। इजी होममेड नान की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।